अस्सलाम वालेकुम। आज पहले रोजे की इफ्तारी में सिर्फ 1.5 घंटा रहता है, तो हम किचन में जा रहे हैं तैयारी के लिए। तो आए आपको भी दिखाते हैं हम क्या बनाने लगे हैं। तो पहली चीज जो हम बना रहे हैं वो फ्रूट चाट बनाने लगे हैं। इसके अंदर थोड़े से मैं ग्रीन वाले और थोड़े से रेड वाले अंगूर डाल रही हूँ, 2 एप्पल्स, 2 बनानास। इसके अलावा ये जो है ये नॉर्मल माल्टे यूज कर रही हूँ मैं, 2 काट के डालूंगी। और ये जो वाले जो माल्टे हैं ये बेसिकली माल्टे नहीं है, मौसमी है, तो इसका जूस निकाल के मैं डालूंगी। इसके अलावा घर पे जो भी फ्रूट हो आप वो डाल सकते हैं। और ये घर पे बॉईल करके चने लाइक फ्रोजन है, तो इसको डिफ्रोस्ट होने के लिए मैंने बाहर रख दिया। जब तक ये बाकी चीज़ें रेडी होंगी तो ये डिफ्रोस्ट हो जाएंगे। और ये मैंने सारी खजूरें निकाल ली हैं, इसमें से कुछ जो है वो फ्रूट चाट में डालेंगे और बाकी वैसे खाने के लिए होंगी। तो अब फ्रूट्स की कटिंग शुरू करते हैं। और ये जो मौसमी है उसका जूस निकल गया है। और जो केले और सेब अगर उन्हें काट के रखे थे ब्लैक हो जाते हैं, तो पहले सेब जो है वो कट गए हैं, तो वो मैं अंदर डाल लूँगी इसके, और इसे थोड़ा सा मिक्स कर दूँगी ताकि वो जूस के अंदर डिप हो जाएं। इसे मिक्स कर दूँगी थोड़ा सा ताकि जूस के अंदर डिप हो जाए। अब इसमें केले भी डाल देंगे, वो भी कट गए हैं। फ्रूट चाट में सिर्फ केले और सेब जो हैं वो काले होने थे, तो वो काट के पहले ही डाल दिए। और जो बाकी के फ्रूट्स हैं, अंगूर हैं और माल्टे हैं, खजूर हैं, वो काली नहीं होनी, तो वो कट्ठी काट के एंड पे डाल देंगे। इसके साथ ही अब मैं दूसरी साइड पे पकौड़ों का बैटर बनाना शुरू करती हूँ, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। बाकी फ्रूट्स की कटिंग साइड पर चल रही है। उसके लिए ये ज़्यादा नहीं बनाए, तो 1 आलू लिए, 1 छोटा सा प्याज लिया और 3 हरी मिर्चें हैं। और इसके अलावा रोल जो हैं वो भी फ्रोजन थे, तो वो डिफ्रोस्ट होने के लिए हमने बाहर रख दिए हैं। तो बाकी चीज़ें मैं काट के फिर वीडियो बनाती हूँ। ये मैंने आलू प्याज और हरी मिर्चें काट ली हैं, किसी भी शेप में काट सकते हैं, मैं बारीक बारीक लंबे लंबे काटे हैं। और मुझे जो है इसके अंदर कम बेसन चाहिए, तो मैं ऑलमोस्ट इसमें 4 चम्मच भर भर के नहीं, बस नॉर्मल से ही डालूंगी। और बाद में भी आप मिक्स करके चेक कर सकते हैं कि इसमें लाइक अगर और चाहिए हो तो। और जो मसाले हैं उसमें मैं 1/2 चम्मच नमक डालूंगी, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग इसमें डाल सकते हैं। 1 चम्मच छोटे वाला मैं अजवाइन डालूंगी इसमें, और इसके अलावा थोड़ा सा मैं इसमें जीरा डालूंगी, साबुत ही, मैंने ये कुटा हुआ यूज़ नहीं किया, वो भी 1/2 चम्मच ही है छोटे वाला। और थोड़ी सी लाल मिर्च डालूंगी क्योंकि 3 हरी मिर्चें मैं यूज़ की हैं। 1 छोटा चम्मच हल्दी का डालूंगी, और कलर के लिए मैं पेपरिका पाउडर ही डालूंगी, 1 चम्मच ही मैं डाल दूंगी इसका। इसमें मिर्च तो ज़्यादा होती नहीं है, तो ज़्यादा भी डल जाए तो इसकी मतलब कोई मसला नहीं है। और साथ में मैंने जो सूखा धनिया है उसको बहुत ही दरदरा सा कूटा है इस तरह से, तो मैं ये डाल दूंगी। ये हरी मिर्चों वाली है वैसे, तो अब पहले इसे ड्राई मिक्स करेंगे। अब जो है वो इसके अंदर 1 चम्मच जो है वो मैं दही डालूंगी। मुझे नहीं, वो दही जो है उससे पकोड़े नरम बनते हैं, तो 1 चम्मच मैं दही डालूंगी। ये अब 1 चम्मच इसमें मैं दही डालूंगी, और अब इसे पहले इसे मिक्स करूंगी, उसके बाद फिर जितना पानी चाहिए होगा सिर्फ उतना ही डालेंगे। और मैं एंड पे थोड़ा सा हरा धनिया डालूंगी क्योंकि हमारा हरा धनिया फ्रोजन है, अगर मैं पहले ही डाल देती तो उसमें वाई भी हो जाना था अंदर से। तो अब इसके अंदर पानी चाहिए, तो वो मैं थोड़ा सा डाल के इसका थोड़ा सा सख्त सा ही बैटर बनाऊंगी क्योंकि अभी टाइम है, तो वो खुद ही सेट हो जाएगा एंड तक। थोड़ा सा पानी डालूंगी। ये पकौड़ों का बैटर बिल्कुल रेडी हो गया, थोड़ा सा हार्ड सा है लेकिन अभी ऑलमोस्ट 15-20 मिनट हैं, तो ये खुद ही रेडी हो जाएगा तब तक, लाइक बिल्कुल सेट हो जाएगा। और इसमें मैंने हरा धनिया भी डाल दिया है, और बस फ्रूट चाट के सारे फ्रूट्स कटते हैं तो वो डाल देंगे। ये चने पहले डाल रही हूँ मैं, ये फ्रोजन थे, टाइम कम था, तो इसे ऑलमोस्ट मैंने 30-40 सेकेंड्स
माइक्रोवेव किया है तो ये डीप रोस्ट हो गए हैं। ये ग्रीन वाले अंगूर हैं, ये रेड माल्टे और खजूर हैं। अब इसे मिक्स कर लेंगे, साथ ही इसमें चाट मसाला डाल लेंगे, लेकिन ज़्यादा नहीं डालना, हम कम ही ऐड करते हैं। और अब बस इसे मिक्स कर देंगे। ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इस पर थोड़ी सी ऐसी क्रैनबेरीज डाल रही हूँ, और चाट मसाला मैंने कम डाला है, अगर किसी ने डालना होगा तो वो ऊपर से डाल लेगा। और अब हम इसे फ्रिज में रख देंगे ताकि थोड़ी ठंडी हो जाए। पैन में ऑयल डाल दिया, हल्का सा हीट अप हुआ, बहुत गर्म नहीं हुआ क्योंकि मैंने फ्रीज़र से निकाले हैं और ये पूरी तरह से डिफ्रॉस्ट भी नहीं है, तो ये ठंडे ऑयल में ही डालेंगे हम। और अब इन्हें फ्राई कर लेंगे। इनकी साइड चेंज करेंगे। हल्का हल्का कलर आना स्टार्ट हुआ है, लेकिन इसने हल्की आंच पे ही फ्राई होना है। इन पर बहुत प्यारा कलर आ चुका है और ये फ्राई हो गए, इन्हें निकाल लेंगे और जो दूसरे हैं वो इन्हें ऑयल में डाल देंगे फ्राई होने के लिए। इन्हें भी फ्राई कर लेंगे। ये भी फ्राई हो गया, इनको भी मैं निकाल लूँगी और अब इसके बाद मैं इसमें पकौड़े डाल लूँगी। पकौड़े डाल के आप इन्हें फ्राई कर लेंगे। पकौड़े फ्राई हो गए, इन्हें भी निकाल लेंगे। हमारी इफ्तारी बिल्कुल रेडी है। ये रोल हैं जो हमने फ्राई किए हैं, ये फ्रूट चाट है, ये आपको ड्राई में भी लग रही हो लेकिन ये नीचे आपको जूस नज़र आ रहा होगा। इसमें खजूरें हैं, पकौड़े हैं, और हम लोग जामे शीरी या शेक्स वगैरह नहीं बनाते तो जूस है। तो उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू, शुक्रिया।